हेलो कैडेट्स, आज का चैप्टर है ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग। यह ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बी एग्जाम पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और सी एग्जाम पे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन आप हर एक चैप्टर पे 5 मार्क नहीं लाओगे तो एग्जाम पे फेल हो जाओगे। 5 मार्क्स का चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप TSC यानी कि थाल सैनिक कैंप पे जाना चाहते हो तो ये चैप्टर बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। भारत माँ के लाड ले, दिखे दुश्मन उसको गाड़ दे, जिद पे जो अड़ जाए ये दुश्मन की ये फाड़ दे, बेटा हाथ में इसके असला सुलझा देता है हर मसला, बस है आगे बढ़ना ना पीछे हटना, ज्ञान न ज्यादा झाड़ दे, ऐसी वीर हिंदुस्तान का ये अंत है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग पे सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिमाग पे आता है, व्हाट इज ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी बाधा परीक्षण क्या है? आंसर होगा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग NCC का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये ट्रेनिंग कैडेट्स को न केवल फिजिकल रूप से बल्कि कैडेट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन कर देता है, जिससे कि कैडेट्स जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना साहस और भी मजबूती से कर सके। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कैडेट्स में फिजिकल हेल्थ और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायता करते हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या है पूछे तो ये लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग? पॉइंट 1, मेंटेन फिजिकल हेल्थ। पॉइंट 2, शरीर और दिमाग में समन्वय यानी मेंटली एंड फिजिकली कोऑर्डिनेशन। पॉइंट 3, मानसिक रूप पे मजबूती यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग। पॉइंट 4, साहस और धैर्य यानी एनकरेज एंड पेशेंस। पॉइंट 5, कठिन चुनौतियों का सामना करना। ये है कुछ पॉइंट जो लिख देने से हो जाएगा कंप्लीट बेनिफिट ऑफ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्स्टिकल बनाने के लिए क्या क्या लगता है। आंसर बिल्कुल इजी है, वुड, ब्रिक्स और कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग पे क्या क्या बाधा होता है यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल। स्ट्रेट बैलेंस, ये स्ट्रेट बैलेंस लकड़ी की बानी होती है, 3 इंचेस की थिकनेस और 4 इंचेस मोटी होती है, 12 फीट इसका लंबाई होता है और जमीन से 1.5 फीट ऊंचा होता है। स्ट्रेट बैलेंस पे दोनों हाथ विंग्स की तरह करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लियर जंप। क्लियर जंप लकड़ी की बीम होता है, ग्राउंड से 2.5 फीट ऊंचा पा होता है। कैडेट्स को ये ऑब्स्टिकल जंप करके जाना पड़ता है बिना टच किए। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, ज़िगज़ैग बैलेंस, ये भी लकड़ी की बानी होती है, इसका लेंथ 18 फीट और 3 इंच इन विड्थ और 1.5 फीट ग्राउंड से ऊंचा होता है। कैडेट्स को ज़िगज़ैग बैलेंस की लेंथ वाइज हार्ट खुल के बैलेंस करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट, हाई वॉल, ये ऑब्स्टिकल 6 फीट हाई और 12 फीट लॉन्ग प्लास्टर्ड वॉल होता है। कैडेट को दौड़ के आना होता है और जंप करके दीवार को पकड़ना पड़ता है और बॉडी को पुश करके ऊपर चढ़ना होता है और दीवार के दूसरे साइड पे जंप करना होता है। नेक्स्ट, डबल डिच। डबल डिच ऑब्स्टिकल पे दोनों साइड डिच होता है, हर के डिच 6-8 फीट लेंथ होता है और 4-5 फीट वाइड होता है एंड 3-4 फीट डीप होता है। कैडेट को फर्स्ट डिच पे जंप करके दूसरे लेग से सेकंड डिच पार जंप करना होता है। ओके, नेक्स्ट राइट हैंड वॉल्ट, ये ऑब्स्टिकल ग्राउंड से 3.5 फीट ऊंचा होता है और 18 फीट लॉन्ग होता है। कैडेट को ऑब्स्टिकल के बीम पर राइट हैंड रख के जंप करना होता है। ओके, देन लेफ्ट हैंड वॉल्ट, ये सेम इज राइट हैंड वॉल्ट जैसा है, ये ऑब्स्टिकल ग्राउंड से 3.5 फीट ऊंचा होता है और 18 फीट लॉन्ग होता है। कैडेट को ऑब्स्टिकल के बीम पर लेफ्ट हैंड रख के जंप करना होता है। नेक्स्ट, गेट वॉल्ट, ये ऑब्स्टिकल भी लकड़ियों की बानी होती है, उसके दोनों बीम्स होता है, ऊपर की बीम से नीचे की बीम 5 फीट की होता है और ये टोटल ऑब्स्टिकल ग्राउंड से 18 फीट लॉन्ग होता है। कैडेट को गेट वॉल्ट क्रॉस करने के लिए अपर बीम पे हाथ रख के वॉल्ट खा के नीचे की बीट पकड़ना पड़ता है, तब जाके गेट वॉल्ट क्रॉस होता है। ओके, सेकंड लास्ट, रैंप जंप। रैंप जंप ऑब्स्टिकल 15 फीट लॉन्ग 4.5 फीट वाइड रैंप होता है। कैडेट को रनिंग करते ही आना होता है और रैंप पर क्लाइंब करके चलना होता है और रैंप के ऊपर चार जाने पर उसके ऊपर से जंप करना होता है। एंड लास्ट, स्ट्रेट बैलेंस, ये फर्स्ट ऑब्स्टिकल है, ये फिर आता है क्योंकि
ऑब्स्टिकल जहां शुरू हुआ था वही खत्म होता है। तो क्या सीखा? स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, ज़िगज़ैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल डिच, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, गेट वॉल्ट, रैंप जंप, स्ट्रेट बैलेंस। ओके, बोनस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल की डिस्टेंस अराउंड 30 फीट होता है। ये बुक पे नहीं है, ये नोट कर लेना। ओके, ये चैप्टर का लास्ट एक क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल टू टाइप्स के होता है, आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल एंड नेचुरल ऑब्स्टिकल। आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल यानी जो मैन मेड ऑब्स्टिकल है, एग्जाम्पल NCC ऑब्स्टिकल्स, एंड नेचुरल ऑब्स्टिकल यानी जो प्रकृति के साथ तैयार हुआ है, एग्जाम्पल माउंटेन हो गया पूरा। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, अभी जो एडवेंचर एक्टिविटीज है वो बोल दिया जाएगा एक वीडियो पे, वीडियो के साथ साथ PDF भी दिया जाएगा, तो वीडियो रेगुलर देखते रहेना। जय हिंद, जय भारत।